भाजपा किसान मोर्चा की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न। प्रांतीय उपाध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने प्रदान किया मार्गदर्शन। शैक्षणिक संस्थाओं में वार्षिकोत्सव की रंगत, उत्साह उल्लास भरे कार्यक्रम। पुलिस मैदान में शुरू हुई अंतर महाविद्यालयीन संभाग स्तरीय खो खो स्पर्धा, 7 जिलों से आई टीमें। और क्रिसमस की तैयारियां, जनप्रतिनिधियों ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक दिवसीय कार्यशाला आज भाजपा जिला मुख्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में संपन्न हुई। पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न कार्यशाला में जिला भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र परमार, विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह, मोर्चा महामंत्री संजय पटेल सहित मोर्चा पदाधिकारी, नेता एवं पार्टी सदस्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। जो 80,000 किसान को लाभ देगी सरकार, उसका हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। 12,000 किसानों को लाभ देने वाले हजार बता रहे। दूसरी पार्टी का था उसको 12,000 टोटल मिल जाता तो सोसाइटी का पूरे गांव को बता दी, बाकी लोगों को फायदा नहीं मिलता था। तो इस स्थिति में कैसे कैसे चलेगा? खराब होना चाहता था उनके नाते, अगर वो खराब ही हो उनके नाते और उसे नजर रख रहे हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर जिला अस्पताल के आयुष विभाग में आज विदाई समारोह आयोजित कर कर्मठ मिलनसार व्यक्तित्व के धनी एडीएम आलोक श्रीवास्तव को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर जेएस गोगिया सहित चिकित्सक तथा स्टाफ सदस्य मौजूद थे। और ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये मीटिंग रखी गई तो हमारे यहाँ से मैडम पटेल मीटिंग का कार्य जब से साथ देख रहे हैं तब से बहुत ही सरल स्वभाव से और बहुत ही आत्मीयता से और बहुत ही बिना किसी झिझक के इन्होंने कार्य किया है। अभी हम लोग ये तैयारी सोच ही रहे थे कि करना है, इतने में हमारे जो फूड इंस्पेक्टर या फूड ऑफिसर थे उन्होंने भी कहा कि सर हम भी ध्यान देना चाहते हैं। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे PCPNDT के सभी उपस्थित लोग और फूड वाले लोग और मीडिया वाले सभी लोग आज इस आप के फेयरवेल में सम्मिलित हुए, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि बहुत कम अनुभव ऐसा होता है हमें जब इतने अच्छे अनुभवी और इतने मृदुल और इतने सहज अधिकारी प्राप्त होते हैं और हम इनकी कमी हमेशा के लिए महसूस करते रहेंगे। आदरणीय एडीएम साहब, आदरणीय आलोक श्रीवास्तव, आज हमें एक निश्चित प्रतिक्रिया का आभास हो रहा है कि साहब के जाने का थोड़ा सा दुख भी है
और साथ के साथ जो काम किया हम लोगों ने उसका सुखमय एहसास भी है कि साथ में पूरी विनम्रता से और बहुत ही सहयोग के साथ में हमें जो मार्गदर्शन देते रहे तो उसका हमें साथ के जाने का थोड़ा सा दुख रहेगा। सम्मानीय अतिथि और गणतंत्र में हर्षित अभिनंदन करता हूँ। अच्छे से क्रियान्वयन हुआ और हम इस वक्त यही कामना करते हैं कि सर जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रमों में अपना मार्गदर्शन देते हैं। धन्यवाद। और हमारे खुद के भाई दियावर जी सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में आज वार्षिक उत्सव के अंतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वाद विवाद प्रतियोगिता में पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही ओर से प्रतिभागियों ने अपने तर्कों से प्रभावित किया। दोस्तों जब मैं भारतीय समाज के संदर्भ में इस मुद्दे को लेकर चिंतन करता हूं तो मेरा सामाजिक चिंतन एक ऐसा कि हमने इस बार सालों से बैठ करके अपना समय बर्बाद किया है। क्यों देना पड़ा? क्योंकि मानव द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था के कारण ही सवर्ण जाति के लोगों ने सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक लाभ उठाकर दलितों पिछड़ों और आदिवासियों का भरपूर शोषण किया है जिसका हर स्तर पर। तो हमें यह समझना होगा कि भारतीय समाज की असली समस्या है जाति व्यवस्था जो भारतीय समाज के खिलाफ में सदियों से बाधा है। शांति इंसानियत को बर्बाद करती शूद्रों पर अत्याचार हो रहे हैं, शूद्रों पर पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, ये नहीं करने दिया जा रहा, वो नहीं करने दिया जा रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा आप 2017 में आ चुके हैं, 21वीं सदी में आ चुके हैं, शूद्रों पे कोई अत्याचार नहीं होता है। और आपको बताना चाहेंगे ये जो जातिवाद की आप बातें करते हो ये सभी आती है मनु से, मनुवाद जातिवाद वहां से इसकी शुरुआत होती है। मनु संहिता के बारे में मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने अध्ययन किया उसमें पता लगा कि उसमें चार वर्णों के बारे में वर्णन दिया गया है। बहुत कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि यहाँ पे एक साथ चार बच्चे खेलते हैं, चार बच्चे सब कुछ करते हैं लेकिन जो पढ़ाई करते हैं वो आगे नहीं। इसके साथ ही कला पक्ष में रंगोली प्रतियोगिता संपन्न हुई। नहीं डालना है, बस देखना है आज बस से घर पे डाला जाता है। उच्च शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आज से स्थानीय पुलिस मैदान में संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। स्पर्धा में जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। संभागी जबलपुर संभागी खो खो प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय महाविद्यालय अमरवाड़ा के आयोजन व्यवस्था पर स्थानीय पुलिस मैदान पर किया जा रहा है जिसमें संभाग की 60 टीमों ने यहां पर अपना उपस्थिति दर्ज कराई है जिसमें मंडला सिवनी जबलपुर बालाघाट कटनी छिंदवाड़ा और जबलपुर सातवें नरसिंहपुर
होटल साठ टीम यहाँ पर आई हैं और महाविद्यालय अमरवाड़ा के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष ही आदरणीय मैसराम साहब प्रचार और ओ पी अहिरवार साहब प्रतियोगिता के सचिव हैं। समस्त बच्चों की सुविधाएं और आवासीय व्यवस्था यहाँ पर उनके द्वारा आयोजित की गई है और यहाँ पर चयनित होने के बाद विश्वविद्यालय दल का चयन किया जाएगा और कल 2 बजे इस प्रतियोगिता का फाइनल किया जाएगा। समस्त नागरिकों से खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा पुलिस ग्राउंड में खो खो जो कि देसी खेल भारतवर्ष का माना जाता है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से है प्रतियोगिता की जा रही है। आप लोग सादर आमंत्रित है, धन्यवाद। क्रिसमस पर्व की तैयारियां पूरे शबाब पर है। शहर के सभी चर्चों में रोशनी और सजावट की गई है। नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आज इवेंजेलिकल लूथरन चर्च पहुंचकर साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ईएलसी पहुंचे विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह के साथ महापौर कांता सदारंग एवं अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी ने परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था देखी तथा अन्य इंतजामों के संबंध में चर्चा कर अधिकारियों को निर्देशित किया। बाकी आपके इधर और कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा सब साफ सफाई से लेके वो मैन वांदे बहुत अच्छा करवाता अभी उसमें। अभी ये किसका घर है? ये बसंत कुमार हेड ट्रेजरर थे अपने। क्रिसमस की सभी हमारे क्रिश्चियन भाइयों को बहुत बहुत बधाई। प्रभु ईसा मसीह का 25 दिसंबर को जन्म उत्सव है और इसलिए आज हम सभी महापौर जी, अध्यक्ष जी, हमारे नगर निगम के कमिश्नर, पार्षद जी सभी आए थे। अच्छी साफ सफाई और कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई परेशानियां तो नहीं है, तो सारी अच्छी सब व्यवस्था है। मैं सभी हमारे जो क्रिश्चियन भाई उनको बहुत बहुत क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी मैं मंगल कामना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। प्रियदर्शनी कॉलोनी स्थित सनरेज पब्लिक स्कूल में आज बच्चों ने क्रिसमस पर्व मनाया। इस अवसर पर बच्चों ने सुंदर क्रिसमस ट्री तथा स्टार बनाए। कुछ बच्चे सांता क्लॉज बने और उन्होंने चॉकलेट तथा उपहार भी बांटे। खबरों में ये वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। संतोष कैटर, यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन
जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में आज वार्षिक उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने गायन, वादन और नाट्य हर कला में अपनी प्रस्तुतियों से प्रतिभा का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। निर्मल पब्लिक स्कूल में आज का दिन साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन के नाम रहा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रादर्श, जागरूकता भरे चार्ट्स और सुंदर कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। Thank you.
करो करो में मिनिमम यूटिलाइजेशन हो, तो उन्होंने अपने दिमाग से जो मॉडल्स होते से हो सकते थे उन्होंने बनाए हैं, और सब ने अलग अलग विधाओं पर बनाए हैं। कुछ ने इन्वायरमेंटल साइंस पर बनाया है, कुछ ने हिस्ट्री को लिया है, किसी ने लेटेस्ट साइंस को लिया है, किसी ने बॉटनी पर बनाया है, किसी ने जूलॉजी पर बनाया है, और सब बच्चों ने अपने अपने रूम को उस हिसाब का मॉडल बनाकर प्रेजेंटेशन किया है, और बच्चे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बनाया है और वो आगे लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। और आज का कार्यक्रम हमने बच्चों के और पेरेंट्स के लिए इसीलिए ओपन किया कि बच्चे और आके देखें कि आगे चलकर साइंस में वो कितना अच्छा कर सकते हैं। आर्य विद्यापीठ में भी आज बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। गाइड, टीचर्स और अभिभावकों का मार्गदर्शन पाकर बच्चों ने विज्ञान के चमत्कारों को अपने नजरिए से प्रस्तुत किया। नर्सरी से फिफ्थ तक के बच्चे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से लगन से बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट बनाए और यहाँ पर सबमिट किया, जिसमें टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान था, उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान था, और जो उन्होंने बनाया है उससे वो बहुत से संदेश दे रहे हैं, जैसे सेव ट्री है उधर, कि हमारी धरती को बचाने के लिए पेड़ पौधों को बचाना ज़रूरी है,
इस तरीके का संदेश, और ये बच्चों ने छोटे छोटे जो क्रिसमस के, अब क्रिसमस आ रहा है तो न्यू ईयर मनाने के लिए संदेश दे रहे हैं कि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, इस तरीके के प्रोजेक्ट जो बनाए हैं बहुत ही सुंदर। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और उनके पेरेंट्स को धन्यवाद देती हूँ, टीचर्स को थैंक्स बोलती हूँ स्पेशल, जिन्होंने बहुत मेहनत की। इधर शिक्षेत्तर गतिविधियों के अंतर्गत आर्मी पब्लिक स्कूल में आज वार्षिक उत्सव के क्रम में विज्ञान मेला आयोजित किया गया। शिक्षकों के मार्गदर्शन में शाला के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रादर्श प्रस्तुत किए। मैं वापस निकालूंगा, एंटर हुआ पेन मैं यहाँ पेन डालूंगा, फोर डिजिट का एक्सपेंड करो उसको, चलाओ तो रोबोट चलाओ भाई। हैं जब हम सांस लेते हैं तब हमारे जो बलून होती है, जो अब बलून सीख रहे हैं लंग्स, इसमें ऑक्सीजन भर जाता है जब हम, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें जिससे प्रदूषण होता है। यदि वायु प्रदूषण, क्या क्या चीज़ है ना, हमारा कर्तव्य होगा कि हम सूखे एवं गीले कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालें। पानी की सारी जर्म्स को दूर करता है और उसको मिटाता है, और पूरा मास जो है वो भी घूमने लगेगा। इसलिए ये क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज, जिससे घूमती है। इसका यूज जनरली हम शादी आदियों में फुटेज निकालने के लिए करते हैं, ताकि में प्रेजेंट बुकाई कैविटी के थ्रू उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा को सिक्रीट करता है। आर्मी पब्लिक स्कूल में आज विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिए गया है, और अनेक प्रकार के मॉडल, अन्य प्रकार के मॉडल लगा स्कूल में आयोजित किए गए, जिससे बच्चों का, बालकों का उत्साह वर्धन किया जा रहा है। नोनिया करबल स्थित खेड़ापति माई माता मंदिर परिसर में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्थल पर आज भगवान श्री कृष्ण और मित्र सुदामा के मिलन की कथा का भावुक प्रसंग था। अब आज भाई पानी भरने की, तो फिर तो इधर दहलिया ने निशाना साधा और मार दिया, और जैसे ही मारे मेरे भगवान को लग गया, भगवान नीचे गिर गए प्रणाम से। किसी इंसान की आवाज आई तो दहलिया आया, मुझसे ये कौन सा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उस बार हमने आपको मार दिए, और मैं किसी का कर्ज रखता नहीं, इस जन्म में तुम दहलिया बने हो, मुझे इस जन्म में तुमने मार दिए, हमारा हिसाब किताब अगले जन्म का पूरा हुआ। हमसे भक्त से कथा, जिस जिसके पास दुपट्टा हो तो वो अपना सर ढक लेंगे, कुर्सी में चेयर में इधर उधर आगे पीछे, सात दिन में आपने कथा श्रवण की और सात दिन में आपने भगवान का नाम जपा, तो इस सात की हो जाती है कथा कहते समय, राजा रानी से गलती हो जाती है पूजा करते समय, पंडित जी से गलती हो जाती है कभी पूजन में, आपसे कभी गलती हो जाती है गाने में कोई स्वर में। हे प्रभु, अभी तो स्वर जरा थोड़ा लगा था, आपकी ऐसी कृपा हो जाए तो ऐसा स्वर लगा जाए, सरकार की बड़ी लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, सरस्वती मैया की कृपा हो जाए, आप सब अपने अपने हाथ जोड़ेंगे और मैं जैसा कह रहा हूँ उसे दोहराएंगे। कथा सुनना नहीं आता, लेकिन हमारी टूटी फूटी शैली से कथा कहने में, कथा कहने में, कथा सुनने में, कथा सुनने में, राजा रानी यहाँ आ जाएंगे चार पांच और पूर्ण आहुति के बाद। हाँ, इसी बीच हमारे बीच चौकसे कॉलोनी में आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। Let's go.
कलेक्ट्रेट के सामने गुलाबरा क्षेत्र से भी आज श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ अवसर पर पूजा अर्चना विधान के अनुरूप कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब चलते चलते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। भाजपा किसान मोर्चा की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न। प्रांतीय उपाध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने प्रदान किया मार्गदर्शन। शैक्षणिक संस्थाओं में वार्षिकोत्सव की रंगत। उत्साह उल्लास भरे कार्यक्रम। पुलिस मैदान में शुरू हुई अंतर महाविद्यालयीन संभाग स्तरीय खो खो स्पर्धा। 7 जिलों से आई टीमें। और क्रिसमस की तैयारियां। जनप्रतिनिधियों ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।